विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स टांडा अंबेडकर नगर यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50-60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश वर्मा ने किया टांडा में जबरदस्त रोड शो। रोड शो के माध्यम से दिखाई अपनी ताकत, कराया अन्य पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश वर्मा ने जबरदस्त रोड शो करते हुए पूरी टांडा विधानसभा 278 का तूफानी दौरा करते हुए दिखाई अपनी ताकत और होने वाले भविष्य के चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लिया और लोगों को एहसास कराया कि आम आदमी पार्टी को कोई भी पार्टी हल्के में समझने की भूल कतई ना करे। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और सारे प्रत्याशियों के साथ डटकर मुकाबला करेगी। रोड शो की शुरुआत टांडा नगर के चिंतौरा चौराहे से होते हुए, नगर भ्रमण करते हुए, एनटीपीसी से होते हुए, सूरापुर होते हुए, पूरे टांडा विधानसभा का दौरा करते हुए, बसखारी, हसवर, भूलेपुर होते हुए वापस मुबारकपुर के जरिए टांडा अपने गंतव्य पुनः चिंतौरा चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। आम आदमी प्रत्याशी राकेश वर्मा ने रोड शो में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद दिया और आगे के चुनाव में सहयोग की अपील की। पूरे रोड शो के दौरान सबसे खास बात रही आम आदमी प्रत्याशी द्वारा आम आदमियों को मास्क का वितरण। जी हां, आम आदमी प्रत्याशी द्वारा आम लोगों को मास्क का पूरे रोड शो के दौरान वितरण किया गया। आइए आपको रोड शो की झलकियों के साथ छोड़े चलते हैं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। हैं उन सारे लोगों की तरफ से अपना दमखम दिखाने का प्रयास विभिन्न पार्टियों के द्वारा हो रहा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राकेश वर्मा जी TNPG इंटर कॉलेज में रसायन विभाग के प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस रोड शो का क्या मतलब है और आपकी पार्टी का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है। जी जी सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप रवि जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैंने जब से पार्टी का निर्देश हुआ है, जब से हमारे टिकट घोषित हुआ है, तब से मैं करीब 215 गांव जा चुका हूँ। अब मुझे जनता की एक डिमांड भी थी कि आप केजरीवाल की विचारधारा को और एक रोड शो के माध्यम से भी आप चलें और एक मैसेज जाए कि हमारी पार्टी भी अब चुनाव लड़ रही है और हल्के में नहीं है और इसको कम ना आके।
क्या आपका पार्टी की तरफ से टिकट कंफर्म हो गया है? बिल्कुल कंफर्म ही समझिए, 90% कंफर्म समझिए। ठीक, 200 लोगों के कंफर्म हो चुके हैं। जी जी, इस समय अम्बेडकर नगर जिले से हमारे सामने आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी भी खड़े हैं, जिनका अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी लगभग लगभग फाइनल ही है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं मूलचंद जायसवाल, 281 विधानसभा प्रत्याशी और अकबरपुर सदर। तो आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या? जी, हमारी पार्टी है तो भाई सपोर्ट करेंगे ही। चलिए, कि जैसा आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशियों की ये शक्ति प्रदर्शन रैली है और इसमें सारे लोग अपना दमखम जोर आजमाइश दिखा रहे हैं। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन आदमी चुनाव में क्या करेगा। फिलहाल आज की परिस्थितियों में रैली का मजा लीजिए। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अम्बेडकर नगर। कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट में स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें मुबारकपुर टांडा अम्बेडकर नगर यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।